अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करना चाहता हूँ जो कि चिकन पालक में बनाने लगा हूँ आज। तो ये देखें, हमने चिकन लिया एक साइड पे थोड़ा सा और इधर पालक लिया, और इसको बनाने का आज तरीका बताता हूँ। बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्याज डाला है, घी डाला है, इसको थोड़ा सा हम बनने देंगे, थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए। और इस साइड पर हमने टमाटर, धनिया, मिर्चें और लहसुन ये साइड पे रखी है, जिसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, आप प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ना, तो फिर बाकी चीज़ें डाल ऐड करूँगा। इधर हमने प्याज टमाटर काट के रखा है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये भी हमने सबसे पहले लाल मिर्च डाली है। इसके ऊपर डालेंगे धनिया सूखा, और इसके बाद आएगा इसके अंदर नमक आएगा थोड़ा सा, जितना आपका डालते हैं जायके के मुताबिक। इसके बाद ये काली मिर्च, ये हल्दी आ गई। तो इस साइड पे हमारा प्याज के अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसको अब थोड़ा ब्राउन होने देंगे। तो जब ये ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद फिर मसाला ऐड करेंगे, आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे सारे मसाले बीच में आ गए, इसको भी अब थोड़ा सा पकने देंगे मसाले को। जब ये पक जाएगा तो इसके बाद हमने अब ऐड करने हैं इसके अंदर टमाटर। तो ये अब हमारे टमाटर आ गए बीच में, अब टमाटर को भी हम थोड़ा सा पकने देंगे। ये थोड़ा पानी ये छोड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा फिर जब सूख जाएगा फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। इतनी देर हम ये मसाला बनने के लिए वेट करते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो गया, अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन को भी अब हमने थोड़ा फ्राई करना है इसके अंदर। अब इसको रख देते हैं जब तक ये फ्राई होता है खुद ही, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें क्या ऐड करते हैं। तो ये देखें, आप इसमें हमारा चिकन बन चुका है तकरीबन। इसके अंदर अब जाएगी पालक, जो कि मुझे बहुत पसंद है, चिकन पालक। अब पालक डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके और साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि बीच में ये पूरी आ जाए। इसको अब सही से मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये देखें, थोड़ी थोड़ी करके डाल रहा हूँ ताकि गिरे ना सारी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको हमने थोड़ा सा दम दे देना है। ये दम दे दिया और ये बन भी गया। देखें आप बन के कैसे लग रही, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है पालक चिकन की, बहुत मज़े के लगते हैं ये। ओए होए, अब जो इसमें रह गई है थोड़ी सी चीज़ के, धनिया और ज़ीरा पाउडर डालना, इसकी वजह से और ज़्यादा अच्छी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो ये मिक्स कर दिया। और ये देखें, अब बिल्कुल रेडी हो गया, इसको डालते हैं प्लेट में। ये देखें हमारा स्पेशल चिकन पालक।